आज नवरात्रि का दूसरा दिन, तो आज शुरू करते हैं दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। इससे पहले जैसे आपको मैंने कल बताया था कि कोई भी कथा अध्याय पे पहुँच जाए आपको कवच पाठ करना जरूरी है, और कवच पाठ के बाद आपको स्तोत्र पढ़ना जरूरी है। इतना पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे हम लोग दूसरा अध्याय। तो बोलिए, प्रेम से बोलिए, शेरावाली माता की जय। चंडी पाठ दुर्गा कवच प्रारंभ। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी ना बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए, देवी जी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्रि है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनके सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती जी, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निःसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी, वाराही, महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी कोमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाले वृषभ के वाहन वाले ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों में भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, पशुपाश, कुंती, त्रिशूल, उत्तम सार, धनुष इत्यादि हस्त शस्त्रों को शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय पढ़ाने वाले जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में रक्षा ऐन्द्री देवी करे, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खंग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूल धारण, ऊपर ब्रह्मा जी और नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, वायु राजिता, दायु और अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालाधारी, बाहों की यशस्विनी, बाहों के मध्य में त्रिनेत्र, नासिकाओं की यमघटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों के द्वार वासिनी, कपोलों की कालका, कान के मूल देश को शांकरी मेरी रक्षा करें। नासिका के सुगंधि, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ के अमृत कलयम, जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की स्तरमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठस्थियों की दरुद्री रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग के नील ग्रीवा, कंठ नलिका के नलकुबरी, दोनों कंधों को खंगनी और मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुमेश्वरी, लिंग की पुतकामिनी, गुदा की महेश्वरी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंह ही, पाओं के तलुओं की तेजस्वी, उंगलियों को श्रीदेवी और तालुओं की हथेली वासिनी की रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की उर्ध्वकेशिनी, रोम छिद्रों की गोबारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पीत की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्मावती कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अविद्या देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्य और स्तम की नारायणी तप सर्वदा रक्षा करें। आयु की वराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेम करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं है और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है, वहीं से उसके धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत, वन, कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाला का ध्यान होने पर भी महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है।
इति देवी कवच समाप्त। बोलिए दुर्गा माता की जय। चलो फूल छोड़ दो यहाँ पे, दादी से फूल मांग के यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे हाँ दादी से फूल ले लो। छोड़ दो यहाँ नीचे, छोड़ दो यहाँ पे नीचे। श्री अर्गला स्तोत्र है। श्री मार्कंड जी बोले, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा सौधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्व व्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मस्त तथा कटा दुत्यों का जन्म करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी आप मुझे सुंदर रूप जय दो, यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों के सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। हे रक्तबीज वध करने वाली देवी और चामुंडसुरों का विनाश करने वाली माता मुझे सुंदर रूप जय यश दो शत्रुओं का वध करो। हे पापनाशिनी चंडिके जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपकी चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके जो आपकी भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी आप मुझे सौभाग्य आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दो, जय दो रूप दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। हे माता आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मड़ियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी अपने भक्त को विद्यावान यशवान लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजा वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी मुझे रूप दो जय दो यश दो बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो जय दो यश दो बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुति। हे परमेश्वरी रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी आप मुझे वह पत्नी प्रदान करो जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र में मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करते सप्तशती महास्तोत्र रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है वह सप्तशती के जप से मिलने वाले वर और श्रेष्ठ सप्तशती के फल को प्राप्त कर लेता है। बोलो नव दुर्गा माता की जय। चलो फूल छोड़ दो। अथ किलक स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव का नमस्कार करता हूँ तीनों वेद जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है मंत्रों के शाप एवं उत्कीर्ण आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनादि वस्तुएँ स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं तथापि जो अन्य मंत्रों का जपन करके केवल सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादि प्रयोगों में उन मंत्रों को उन पुरुषों के मंत्र औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके सभी उच्चाटनादि कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब उस शंका के निवारण के लिए शिव जी ने आज्ञा की कि यह सप्तशती स्तोत्र सिद्धियों को देने वाला है। उस स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है इसमें कोई संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है उस पर भगवती प्रसन्न होती है अन्यथा नहीं। इसी रूप से किलक द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र का किलन कर दिया जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है वह कहीं भी घूम रहा हो उसके उससे कोई भय नहीं होता ना उसके काल मृत्यु होती है। ध्यान होने पर वह मोक्ष पाता है इसलिए इस किलक स्तोत्र को समझ कर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझ कर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों के सब श्री देवी जी को कृपा के फल हैं इसी में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं। वे सब कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र को मन स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है। उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जिस भगवती की कृपा से सौभाग्य आरोग्य संपत्तियां शत्रु नाश तथा परम मोक्ष प्राप्त होती है उस जगत माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। ला तो कवच और स्तोत्र के बाद अब हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय। तो हाथ जोड़कर हाथ में फूल ले लीजिए, पुष्प लीजिए हाथ में और थोड़ी सी अक्षत ले लीजिए। ये लीजिए पुष्प और अक्षत। पुष्प और अक्षत लेने के बाद दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय पढ़ने के बाद आरती करेंगे। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अगले दिन तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय पढ़ेंगे। चलिए हाथ जोड़िए और माता जी का ध्यान कीजिए।
ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्य में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं के इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए, जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने प्रभाव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अधि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृतकों की भांति विचर रहे हैं। प्रभु, आप हम लोग आपके शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने क्रोध से भौंहेतन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आई। तभी सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि जैसी ज्वालाएं कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ, यम के तेज से उसके केश हुआ, विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई, चंद्रमा से दोनों वस्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ, उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए, अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए, दोनों संध्याओं से दोनों भाव हैं, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी का देख महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेवी जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से चक्र पकड़ करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुति ने धनुष दिया और वाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के रूप के ऊपर में अपने किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल प्रकट की अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्थचंद्र सभी भुजाओं के लिए, बाजू बंद चरणों के लिए, अनुपूर कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंडला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएँ प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच मस्तक तथा गले में धारण करने के योग कभी न कुमलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुमत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूरापुर ने पात्र दिया। सभी नागों का स्वामी जी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुध के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्ठास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उसी ही वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारे त्रिलोक को शुभग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना की कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी देवताओं के साथ घिर कर उसी नाद की ओर भागा। वह जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करते हुए देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से 7 पाताल शुभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांपकर देवी खड़ी हुई थी। उस देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षु नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्य को तथा चतुरंगनी सेना के साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाअनुदैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर चल पड़ा। तलवार के समान पैनोरोमो वाला असिलोम नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाष्पकाल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों तथा अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रणांगण में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथी और मशुओं की सेनाओं से घिरा हुआ था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, परशु, पटीश, संग आदि शस्त्रों से युद्ध
से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरों ने पास फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन का बाल झिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस समय भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग बिंदीपाल परशुपटिश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप शस्त्र में एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल गदा शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों के सैकड़ों महासुर मार डाले। दूसरे कितने दैत्यों को घंटा के भयनाद से मूर्छित करके मार गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुसलों की प्रहार से कई एक रुधिर भवन करने लगे एवं कई एक सूर्य द्वारा वक्षस्थल पर जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। बाज पंक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्य की भुजाएं कट गई। दैत्यों की ग्रीवा छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए। और कुछ एक दैत्य को तो एक भुजाएं एक आंख एक पांव करके दो दो टुकड़े कर डाला। मार मार के गिराए व्रथे हाथी घोड़े मसूर की लाशों के द्वारा। जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी से प्रकार भर गई जैसे कि वहाँ पाना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना में मसूरों के रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बिका जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की सारी सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वहाँ सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो प्राण ही चुन रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के अनुगणों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवी प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगी। बोलिए अम्बे माता की, जगदम्बिके माता की। तो आज का दूसरा पाठ समाप्त हुआ। बाकी तीसरा पाठ कल पढ़ेंगे। इसी तरह आगे रोज एक पाठ पढ़ता जाएंगे। और अभी शरीर कर लेते हैं आरती। आरती के बाद पढ़ेंगे क्षमा प्रार्थना। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी। तुम को निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। माँग सिंदूर विराजत मृग मद कोटि को मैया, मृग मद कोटि को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन निको। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजे मैया, रक्ताम्बर राजे। रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, अजे जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग कपर धारी मैया, खड़ग कपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिन के दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कोटिक चंद्र दिवाकर राजतम ज्योति मैया, राजत सम ज्योति। शुंभ निशुंभ बिड़ारे महिषासुर घाती, जय अम्बे गौरी। धूम्र विलोचन नयना निश दिन मद माती मैया, निश दिन मद माती। धूम्र विलोचन नयना, धूम्र विलोचन नयना, निश दिन मद माती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड दो मारे शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधु कैटव संहारे, मधु कैटव संहारे, सुर भयहीन करे।
जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंग बाजत ताल मृदंग और डमरू गहरी। जय अम तुम ही जग की माता तुम ही हो वरता मैया तुम ही हो वरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित नासाग मैया अभय सुबरदारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमल के तुमे राजत श्रीमल के तुमे राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय मंगल करनी तुम को निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। बोलियो दुर्गा माता की पार्वती माता की लक्ष्मी माता की अम्बिके माता की चंडी माता की विंध्यवासिनी माता की सर्व देवी देवताओं की हर हर महादेव। चलो अब बोलेंगे सब लोग क्षमा प्रार्थना मेरे पीछे पीछे। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं यह मेरा दास है ये समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानता विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानता क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बी के मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी
अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलिए दुर्गा मैया की। चलो प्रणाम करो।